वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आर इज 40 किलोमीटर पर आर। वो कह रहे हैं जी एक वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आर है, इसका एक कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का 40 किलोमीटर पर आर है, तो दूसरा कॉम्पोनेंट किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन है। अब मेरे को तो बस एक बात पता है कि दो जो कॉम्पोनेंट्स निकलेंगे वो आपस में कितने एंगल पर होंगे, 90 पे होंगे। तो मैंने अपने मन में डायग्राम बना लिया। फिर मैंने ये सोचा क्योंकि 80 रिजल्टेंट है 40 का, और मान लो ये कॉम्पोनेंट का नाम क्या है, वी वाई, वेलोसिटी का वर्टिकल कॉम्पोनेंट, मान लो नाम दे दो वाई या वी वाई, कुछ भी नाम दे दो। एक कॉम्पोनेंट गिवन है 40, एक कॉम्पोनेंट निकालना है, रिजल्टेंट 80 है और 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस वाला रूल लगा लो, तो ये इसका रिजल्टेंट है, 80 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो ये लगा लिया, 80 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सॉल्व करके वी वाई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कैसे सोचना है इसे। तो 80 का कॉम्पोनेंट 40 है, दूसरा कॉम्पोनेंट निकालना है, तो 80 रिजल्टेंट होगा 40 का और वी वाई का। कोई डाउट इसमें? जैसे क्वेश्चन है क्या निकालना है, ए बी वैक्टर निकालना है, आपको एक नया वैक्टर निकालना है, ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ए बी वैक्टर तो निकालना ही निकालना है, उसकी वैल्यू भी निकालनी है। क्या गिवन है, इसका इनिशियल पॉइंट ए गिवन है और फाइनल पॉइंट बी गिवन है। तो ए इनिशियल पॉइंट है, जैसे मान लो कोई भी इमेजिनरी पॉइंट मैंने मान लिया ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2, -1। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी गलत डायग्राम है। क्यों गलत है? क्योंकि 3D में बनना चाहिए, पर आपने 2D में बना दिया। अब देखो मेरे लिए कितना मुश्किल है, इतना छोटा सा डायग्राम के लिए मैं पूरा 3D का कमरा बनाऊंगा, मतलब एक्चुअल में तो फिर वो ओरिजिन लेना पड़ेगा, ऐसे रूम के अंदर वेक्टर जाएंगे। तो यार जस्ट वैसे मैंने ले लिया वर्चुअल कुछ भी, कि ये मेरा ए कोऑर्डिनेट है कहीं भी, और बी कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लिया कुछ भी इमेजिनरी। मेरी जो बॉडी है ए बी वेक्टर, वो ये डिस्प्लेसमेंट कैरी करेगी, देख रहे हो ए बी वेक्टर ये रही। मेरे को क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ए का कोऑर्डिनेट गिवन है। मैंने आपको सिखाया था कि मैथ्स वाले ए का कोऑर्डिनेट में बात करते हैं, फिजिक्स वाले पोजीशन वेक्टर में बात करते हैं। तो अगर हम ये डिसाइड करें कि ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इमेजिन करो एक वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ ए तक आएगा, तो ये वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर, जिसका नाम क्या है, ओ ए वेक्टर। अब क्योंकि ये तीन आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जिसका एक्स वाई और जेड का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको अगर ये बोले कि ओ ए वेक्टर लिखो, तो ओ ए वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, 1, तो लिखेंगे 1 के पीछे आई कैप, वाई कॉम्पोनेंट क्या है, 2 के पीछे जे कैप, -1 के पीछे के कैप, तो ये इसका पोजिशन वैक्टर लिखना आ गया पोजिशन वैक्टर कॉर्डिनेट से। तो अगर आपको तीन कॉर्डिनेट्स गिवन है, तो आप वहां से पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। तो बताएं ओबी का पोजीशन वेक्टर, ओबी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पर मेरे को ना ओबी चाहिए, ना मुझे ओए चाहिए, मेरे को तो एबी वेक्टर चाहिए। एबी वेक्टर ये रहा, एरो के साथ यहां जाएगा, ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं इसमें। ट्राइंगल लॉ में बोले इसमें रिजल्टेंट कौन है, ओए, एबी या ओबी। कैसे पता? क्योंकि ये एक क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड रिजल्टेंट है, तो इसमें ओ बी, क्योंकि ये वेक्टर इधर जा रहा है, इसे कंटिन्यू कर रहा है, तो ओ बी वेक्टर रिजल्टेंट है। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर रिजल्टेंट है, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर का हमने क्या निकालना है, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। आपको ओ बी वेक्टर गिवन है, आपको ओ ए वेक्टर गिवन है, आप OB की जगह OB वेक्टर, OA की जगह OA वेक्टर पुट करें, माइनस करें, I वाली टर्म I में से, J वाली टर्म J में से, K वाली टर्म K में से, माइनस करके AB वेक्टर आ गया। तो आपको एक आंसर पता लग गया AB वेक्टर। फिर आपको क्या निकालना है, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो आज के बाद अगर आपको दो पोजीशंस गिवन होंगी A एंड B, और आपसे AB वेक्टर पूछा जाएगा, तब कैसे निकालेंगे, ओए आपको ए और बी पॉइंट गिवन होंगे, और आपसे ये पूछ रहा हूं ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे, फिर आप ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, फिर ए बी वेक्टर करेंगे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
आप शॉर्टकट मारेंगे। शॉर्टकट है, जब भी आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को मन में माइनस कर लेंगे। बोलो फाइनल पोजीशन क्या है? 2 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 में से इनिशियल पोजीशन क्या है? 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। एक स्टेप में ए बी वेक्टर डन, खत्म। समझ में आया यहाँ तक? ये तो आपको समझाने के लिए, अगर मैं सीधा शॉर्टकट बता दूं तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि फाइनल में से इनिशियल क्यों माइनस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको वेक्टर लॉ से बता रहा हूं कि ऐसा मैंने क्यों किया। एक बार तो मैंने बता दिया, लेकिन हर बार तो आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट को माइनस करके ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। क्या ये शॉर्टकट क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। देखो ये, अगर ये स्टेटमेंट ना देता कि एक यूनिट वेक्टर निकालो पैरेलल टू ए वेक्टर, या चलो इस तरीके से बोलना चाहिए, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ए कैप। बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? बी कैप। सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन होगा? सी कैप। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन होगा? आई कैप। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन होगा? जे कैप। और जेड का कौन होगा? के कैप। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब जो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकलेगा वो ए वेक्टर का ही पार्ट होगा, ए वेक्टर में से ही निकलेगा। ए वेक्टर में से निकलेगा तो ए कैप जो निकलेगा वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। ये तो बाय डिफॉल्ट है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। इसका मतलब ए कैप इज पैरेलल टू ए वेक्टर बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। मतलब अगर वो ये लिख भी देता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, वो सिर्फ ये हिंट दे रहा है कि तुम ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहीं बी कैप मत निकाल देना, कहीं आई कैप मत बोल देना। तो तुम्हें इसका यूनिट वेक्टर ही निकालना पड़ेगा ए वेक्टर का, जो कि जिसका नाम क्या है? ए कैप। तो ए कैप और ए वेक्टर हमेशा पैरेलल ही होंगे। अब यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है, इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 14। इसे ब्रेक करके लिख लेते हैं, √14 को आई जे के की टर्म के नीचे। दिस इज द आंसर। आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसे आंसर मार्क करने को मिलेंगे। कोई डाउट इसमें? तो क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? लेकिन एक स्टूडेंट पूछता है मुझसे, सर ये कहाँ से आपको यूनिट वेक्टर दिख रहा है? इतने बड़े बड़े अंडर रूट ऑफ 14 लेके बैठे हुए हो और आप कह रहे हो यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 कहाँ से है तो बताओ। आपकी वेरिफिकेशन के लिए, आपकी तसल्ली के लिए, आप इसका जरा रफ में मैग्नीट्यूड निकाल लें। आई कैप का कोफिशियंट क्या है? 1/√14। जे कैप का कोफिशियंट क्या है? 2/√14। तो आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट चेक करो, आंसर क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब मानना पड़ेगा ये वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। शक्ल में नहीं है, देखने में नहीं लगता, पर है ये यूनिट वेक्टर ही। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? पर ये आपको करना नहीं है, तो समझाने के लिए। तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर, फिर से यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। अब किसके पैरेलल टू? ए वेक्टर ना, पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले क्या निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। तो पहले रिजल्टेंट निकाल लो। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो पहले आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। रिजल्टेंट वेक्टर में ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर पुट कर लिया, आई को आई में, जे को जे में, के को के में एडजस्ट करके आर वेक्टर आ गया। अब यहां पर कई लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर, ये आर जो वेक्टर है ना, ये जो आर वेक्टर है इसमें, ये तो आपने ऐसा नहीं निकालना सिखाया था हमें। मैंने कहा फिर कैसे? वो बोला जो आर वेक्टर है वो तो आपने ऐसे सिखाया था, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या तरीका हुआ? देखो वो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका था। मैं अभी आर की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तो आर वेक्टर निकालने में इंटरेस्टेड हूं। तो आर वेक्टर में आई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर की जगह पूरी सेम टू सेम यही टर्म, बी वेक्टर की जगह एज इट इज आई कैप जे कैप।
आई कैप जे कैप होने का मतलब कि इसमें वैल्यू भी है और इसमें डायरेक्शन भी छुपी हुई है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताते हैं, तो ए वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ए का मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा और आई कैप जे कैप के कैप पीछे क्या बता रहे हैं उसकी डायरेक्शन की, इसके तीन कॉम्पोनेंट्स हैं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर पुट करके आर वेक्टर आ गया। अब आपको यूनिट वेक्टर आर वेक्टर के पैरेलल निकालना है, तो यानी कि आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन है? आर कैप। ए वेक्टर का कौन था? ए कैप। बी वेक्टर का? बी कैप। आर वेक्टर का? आर कैप। आर कैप क्या होगा? अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये रहा। अंडर रूट ऑफ 18 इससे इससे इसके नीचे डिवाइड करके आर कैप की वैल्यू आ गई। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है समझ में आ रहा है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड से निकलता है। क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन है, अ वेक्टर एक्स वेक्टर, चलो लिख लिया एक्स वेक्टर, व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, चलो ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट मान लो कौन है? आर वेक्टर, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो वो कौन होता है? जे कैप। तो ये सब वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस है। तो मेरे को पता है कि x वेक्टर, r वेक्टर का मतलब क्या है? सम ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये रिजल्टेंट है, इज इक्वल टू j कैप। तो x वेक्टर प्लस a वेक्टर, या फिर इस तरीके से कर लेते हैं, x वेक्टर इज इक्वल टू j कैप माइनस a वेक्टर प्लस b वेक्टर, जो कि क्या आएगा? j कैप माइनस a वेक्टर की जगह वैल्यू पुट करो 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7 के कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, ऐसे। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, इसे ओपन कर लो, ओपन करके जे माइनस, पहले इसको सेटलमेंट कर लो, आई वाली टर्म को ऐड कर लो, जे को एडजस्ट करो, के को एडजस्ट करो और फिर ओपन करो, आंसर क्या आ रहा है बताएंगे? माइनस 5 प्लस, ये लो, ये फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करके। अब फील आ रहा है ना, एलजेब्रा चल रहा है,
एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा ऐसे चलता है, तो आई को आई में, जे को जे में, के को के में, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या आंसर होगा, कोई डाउट इसमें? जे कैप उसने कहा कि एक्स वेक्टर एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिव्स अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कौन सा वेक्टर यूनिट का वाई के अलोंग होता है? जे कैप, तो इक्वल टू जे कैप। तो मेथड सबको समझ में आ रहा है कि क्या लगाना है इसमें, तो यहां से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसका। कोई डाउट इसमें? ठीक, चले आगे। तो क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसमें गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों वेक्टर गिवन है, फाइंड अ वेक्टर, एक नया वेक्टर ढूंढना हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? बी, एंड पैरेलल टू ए वेक्टर, तो कौन सा वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन शो करता है? ए कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शंस को शो करना, तो वो नए वेक्टर को बनाने को बोल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर का मॉड हो और डायरेक्शन कहां पर हो? अलोंग ए वेक्टर। अब अलोंग ए वेक्टर नहीं लिखेंगे हम फिजिक्स में, जैसे अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, अलोंग ए वेक्टर ए कैप, तो पीछे ए कैप लगा देंगे। अब कोई स्टूडेंट बोला कि ए कैप लगाने का फायदा, मैंने कहा देख ए कैप जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर होगा, और वो भी तो यही बोल रहा है कि ए वेक्टर के अलोंग है डायरेक्शन, तो उसने बोला कि इसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिर्फ वन, तो बी के मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, सॉल्व करके 25 आ रहा है, तो आधा आंसर तो आ गया। इसकी जगह क्या पुट करेंगे? 25। अब मुझे साथ में क्या निकालना पड़ेगा? पीछे ए कैप, ए कैप का फॉर्मूला क्या है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में ए वेक्टर पता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ 3² + 4² सॉल्व करके आंसर क्या आ गया? ए कैप आ गया। इस ए कैप को इसके पीछे लगा दो, बी वेक्टर का मॉड आ गया, ए कैप की वैल्यू आ गई, 5 से 25 कैंसिल, आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? तो आधा क्वेश्चन मैग्नीट्यूड का है और आधा क्वेश्चन उसकी डायरेक्शन का है, कोई डाउट इसमें? ठीक, रेजोल्यूशन का क्वेश्चन किया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो मैं ये चाहता हूं बिना देखे, ये तीन वेक्टर मैं आपको दे रहा हूं, 5, 10 और 15, इसका नेट रिजल्टेंट निकाल लें। हमने लास्ट टाइम किया था याद है ना, कॉम्पोनेंट 10 cos 45, 10 sin 45, ऐसी 5 cos 45, 5 sin 45 निकालें, रफ कॉपी में खुद करें, इसके कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करें और नेट रिजल्टेंट निकालें। ये P पॉइंट है, O नहीं है, ये P पॉइंट कर लेना। तो सारे वेक्टर P पॉइंट या O पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो O पॉइंट के ऊपर या P पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स निकालो।
तो कंपोनेंट्स ड्रॉ करो। आपको इसमें कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। कंपोनेंट्स में क्या करना है, जैसे ये 10 है तो एक कंपोनेंट बोलो क्या आएगा यहाँ पर, 10 cos 45। फिर एक कंपोनेंट यहाँ पर भी आएगा इसका कितना, 10 sin 45। फिर उसी तरीके से एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा 5 का, कितना, 5 cos 45। और एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा कितना, 5 sin 45। और एक ये तो ऐसे है ही है। तो जब ये कंपोनेंट बन जाएंगे तो इन दो फोर्सेस को हटा देना, नया डायग्राम बना लेना। फिर ये चेक करें वाई एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक्स में कौन कौन सी फोर्सेस हैं, फिर उनका रिजल्टेंट निकलेगा। तो ऐसे ही हुआ ना डायग्राम, पहला यही बना 10 cos 45, 10 sin 45, 5 cos 45, 5 sin 45। तो 10 cos 45, cos 45 1 by root 2 है, 10 by root 2, 5 by root 2, 10 बाई रूट टू, 5 बाई रूट टू, ठीक है। अब ये बताओ नेक्स्ट डायग्राम कैसे बनेगा। इसमें दो वेक्टर्स, एक ये वाला और एक ये वाला, आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो इनको ऐड करके ये आंसर आ जाएगा 15 बाई रूट टू, सही है ना, क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को ऐड करके 15 बाई रूट टू, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, तीन को तो छेड़ा ही नहीं मैंने, तो इन दोनों को ऐड करके नया वेक्टर आ गया। अब कुल मिला के मेरे पास चार वेक्टर्स हैं, दो ऊपर और नीचे है और एक लेफ्ट और राइट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये दो वेक्टर ऑपोजिट है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, नया वेक्टर आ जाएगा। तो कौन बड़ा, 15 बड़ा कि 15 बाई रूट टू बड़ा, 15 बड़ा, तो 15 में से 15 बाई रूट टू माइनस करके वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, 15 माइनस 15 बाई रूट टू। और ऐसे ही लेफ्ट और राइट में ये बड़ा है ये छोटा है, तो नया वेक्टर इस तरफ आएगा जिसकी वैल्यू इन दोनों को माइनस करके आ जाएगी, जो कि वो होगी 5 बाई रूट टू, राइट, क्लियर है यहाँ तक। अब दो वेक्टर्स कितने एंगल पर हैं, 90। अब क्या करना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट, तो पैलोग्राम से रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5 बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस इस पूरी फोर्स का स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज द आंसर। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है, यहाँ तक कैसे करना है, सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था हमने, वैल्यूज डिफरेंट थी। हाँ ये तो मैंने अपने मन से वैल्यू लिखी है, तो अजीब वैल्यूज हैं, आपको ठीक आएंगे, जैसे 5 न्यूटन आएगा, कोई 9 न्यूटन आएगा, आपको ठीक आएगा, आपको वैल्यूज ऐसी आती हैं जिसका रिजल्ट अंडर रूट निकलेगा। ये मैंने अपने मन से वैल्यूज लिखी तो कुछ भी आंसर आ गया मेरा। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कैसे काम कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है यहां तक। ये क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया हुआ है, लेकिन इसमें वैल्यूज चेंज है और थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन भी है। आप प्लीज एक बार क्वेश्चन को देख लें, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन, मतलब 18 न्यूटन क्या है, रिजल्टेंट है, कितने लोग कहते हैं रिजल्टेंट है 18, उसने कहा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पर उसने क्या कहा, पहली लाइन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, मान लो a एंड b, तो a प्लस b का सम 18 है, तो रिजल्टेंट तो नहीं है, क्योंकि a प्लस b रिजल्टेंट नहीं होता, a वेक्टर प्लस b वेक्टर रिजल्टेंट हो सकता है, पर a प्लस b का मैग्नीट्यूड r नहीं होता कभी भी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो बेसिकली ये मान लो अगर दो फोर्सेस हैं p एंड q, p और q का सम 18 के बना है, p प्लस q इज 18। अब अगर रिजल्टेंट की वैल्यू 12 है, रिजल्टेंट गिवन है कितना 12, इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, किसका एंगल है ये, रिजल्टेंट का, जो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय बीटा, तो रिजल्टेंट का एंगल इज बीटा विथ फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, तो ये रिजल्टेंट किसके साथ बन रहा है, एक पी या क्यू में से जो भी स्मॉलर है उसके साथ ये एंगल बन रहा है। क्या निकाल लें,
पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। मेरे को इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला और एक टैन बीटा का फॉर्मूला। चलो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट कितना है? 12। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा स्क्वेयरिंग करेंगे तो आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि आगे तो मेरे को कुछ आता ही नहीं। पहली क्वेश्चन क्लियर है, पी और क्यू निकालना है मुझे। अब एक काम करते हैं, टैन बीटा, टैन बीटा का फॉर्मूला, ये तो मुझे पता नहीं पी एन क्यू, मैं तो पसंद नहीं करता पी एन क्यू की फॉर्मूला लिखना। मैंने आपको एक शॉर्टकट कराया था, रिजल्टेंट ने एंगल बनाया 90 डिग्री विद फोर्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू, ऐसी था ना, स्मॉलर वैल्यू के साथ। तो मान ले पी और क्यू में से, मान ले पी स्मॉलर है, चलो ठीक है पी स्मॉलर है, तो रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ बनेगा? पी के साथ। किसके साथ नहीं बनेगा? क्यू के साथ। तो जिसके साथ नहीं बनेगा, आपका फॉर्मूला वहीं से स्टार्ट होगा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ऐसे सिखाया था टेन बीटा, क्योंकि उसे साफ मेंशन किया, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी थी बतानी कि एंगल किसके साथ बना, ताकि जिसके साथ नहीं बना वो फोर्सेस यहां पर आ जाए। टेन ऑफ 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू क्या? जीरो। यहां से क्यू कॉस थीटा कितना आ गया? माइनस पी। क्यू कॉस थीटा को यहां पुट कर देंगे माइनस पी, ये पुट कर दिया देखो इसकी जगह माइनस पी, सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें थीटा तोड़ गया, पी और क्यू बच गए। अब मुझे ये पता है पी प्लस क्यू का सम भी तो 18 है, तो क्यू की जगह क्या आएगा? 18 माइनस पी। क्यू की जगह रिप्लेस कर देते 18 माइनस पी। अब सारी इक्वेशन किस में आ गई? पी में। यहां से सॉल्व करके पी आ गया और यहां पी पुट करके क्यू आ गया, आंसर आ गया। मतलब इतने वेरिएबल लग रहे थे, लग रहा सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसको देख लूँ ना तो मैं तो छोड़ ही दूँ यार, ये नहीं सॉल्व होएगा। थीटा मुझे नहीं पता, पी मुझे नहीं पता, क्यू मुझे नहीं पता, 144 लेके करूँगा क्या? ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रिक देखें कि यहाँ से रिप्लेस करके, देखो तो ये ट्रिक दिमाग में आ नहीं सकती, अगर मतलब बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हाँ ठीक है, हिट एंड ट्रायल से कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, 5-7 मिनट खराब कर देगी, पर आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। तो क्या ट्रिक लगाई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे।